इंडियन रेलवे इंडिया में अपने रेल नेटवर्क को एक्सपैंड कर रही है। जिन क्षेत्र जिन रीजन्स में अभी तक ट्रेन नहीं थी वहां तक ट्रेन पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और इस एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करता है हिमालय। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं भारत के नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक फैली हुई हैं, और इन्हीं हिमालय वाली स्टेट्स में ट्रेन को पहुंचाने में बाधा आती है। लेकिन अब रेलवे हिमालय के इन चैलेंजेस को फेस करके यहां पर ट्रेन पहुंचाने में सफल हो रहा है। जैसे कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाने के लिए हिमालय सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसको भी क्रॉस करके अब ट्रेन इसी साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचा दी जाएगी। वैसे ही उत्तराखंड में भी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, और वहां पे भी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए 125 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है। इसी रेलवे प्रोजेक्ट के अंदर 6 किलोमीटर के एक टनल की हिमालय पर्वत को चीर के ब्रेक थ्रू करी गई है। यह टनल शिवपुरी और गुलर के बीच में स्थित है, और 5 जुलाई 2024 को इसकी ब्रेक थ्रू हो चुकी है। यह टनल इस प्रोजेक्ट का सबसे मेन टनल भी माना जाता है, और इस टनल के बनने से ही इस प्रोजेक्ट के 70% टनल्स का काम भी कम्प्लीट हो चुका है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग 125 किलोमीटर का रेलवे प्रोजेक्ट चारधाम श्राइन्स जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इनको आपस में जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। इनकी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने वाला प्रोजेक्ट है। 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन को रखा गया था। यह रेलवे लाइन जैसा कि आपको बताया कि हिमालय के बीच से होके गुजरेगी, इसलिए इसके अंदर टोटल 17 टनल्स बनाए जाएंगे जो कि होंगे 104 किलोमीटर के। यानी कि 125 में से 104 किलोमीटर के तो सिर्फ टनल बनेंगे जो कि इस सेक्शन के 85% लैंडमार्क को कवर करेंगे, और तभी जहाँ पे इन 17 टनल्स की महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही इस 125 किलोमीटर के सेक्शन में 35 छोटे बड़े ब्रिजेस बनाए जाएंगे, और इनमें 12 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। और अभी जिस टनल की ब्रेक थ्रू हुई है वो शिवपुरी और गुलर के बीच में आता है, और अभी तक पूरे टनल्स जिसमें मेन टनल और एस्केप टनल्स भी आते हैं उन टनल्स दोनों को मिला के 169 किलोमीटर के टनल बन चुके हैं। यानी कि टनल्स में से 79.42% के टनल्स कंप्लीट हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 85% टनल से होकर गुजरती है, तो इसका मतलब अगर टनल्स 80% तक बन चुके हैं तो यह पूरा प्रोजेक्ट ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक 70% तक कंप्लीट हो चुका है। रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 16,200 करोड़ रुपीज। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाने के लिए 7 घंटे का समय लग जाता है। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीट होने के बाद यह समय केवल 2 घंटे का हो जाएगा, और जो लोग चार धाम जाते हैं उनके लिए और ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट का 70% तक काम हो चुका है, और 80% तक टनल्स बनके तैयार हो चुके हैं, ब्रिजेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2025 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। जिस प्रकार से इस प्रोजेक्ट का काम हो रहा है और जिस प्रकार से इसकी प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रकार से लगता भी है कि 2025 के एंड में या फिर 2026 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर भी दिया जाएगा। फिलहाल इसमें 6 किलोमीटर के टनल की ब्रेक थ्रू होने के बाद इस प्रोजेक्ट ने एक और माइलस्टोन कंप्लीट कर दिया है। यह प्रोजेक्ट टूरिज्म के साथ साथ स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड एक बॉर्डर स्टेट है, और वहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पर हिमालय पर ट्रेन पहुँचने से बॉर्डर एरिया और ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि दिसंबर 2025 तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा? इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।